नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख और यमराज। अक्सर लोग अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इस कहानी को सुनकर आप दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी की मौत होने वाली थी। यमराज बड़ा लंबा सफर करके उसके पास पहुंचे थे। यमराज लंबे सफर की वजह से काफी थक गए थे और सबसे पहले उस आदमी से उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। यह जानते हुए भी कि यमराज उसकी जान लेने आए हैं, उस आदमी ने यमराज को ठंडा पानी पिलाया। पानी पीने से यमराज को बहुत संतोष हुआ। यमराज ने खुश होकर उस आदमी से कहा, हालांकि मैं तुम्हारी जान निकालने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया है, इस वजह से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अपने उसूलों के खिलाफ जाकर तुम्हें मैं अपनी ये पेन और पुस्तक 5 मिनट के लिए दूंगा। इसमें तुम जो भी लिख सकोगे वो सच हो जाएगा। आदमी काफी खुश हो गया। वचन के मुताबिक यमराज ने उसे पेन और पुस्तक दे दिया और 5 मिनट का समय गिनना शुरू कर दिया। आदमी ने पुस्तक को पकड़ा और उसका पहला पन्ना खोला तो उसमें उसके दोस्त का नाम लिखा हुआ था। उसको अपने दोस्त के जीवन में क्या घटना घटित होने वाला है उसकी जिज्ञासा हुई और उसने उस पन्ने को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि उसके दोस्त की जल्द ही 3 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये पढ़ने की देर थी और उसके मन में अपने दोस्त के प्रति ईर्ष्या जागृत हो गई। उसने तुरंत उस पन्ने पर लिखा कि ऐसा नहीं हो। दूसरा पन्ना पलटा तो उसके एक पड़ोसी का नाम लिखा था। उसको अपने पॉलिटिकल करियर में सफलता मिलने वाली थी। उस आदमी का अपने उस पड़ोसी से अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए उसने उसके पन्ने पर भी लिख दिया कि ऐसा ना हो। अगला पन्ना पलटने पर उसके एक रिश्तेदार का नाम लिखा था, जिसके बारे में लिखा था कि वो 1 हफ्ते में नई कार खरीदेगा। आदमी ने उसके पन्ने पर लिख दिया कि ऐसा ना हो। अगला पन्ना जब उसने पलटा तो वहां उसके बॉस का नाम लिखा था, जिसका प्रमोशन होने वाला था। आदमी अपने बॉस से चिढ़ता था, इसलिए उसने वहां भी लिख दिया कि ऐसा ना हो। अब अगला पन्ना पलटने पर उसका खुद का नाम आया। इससे पहले कि वो आदमी उसे पढ़ पाता और अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ लिख पाता, यमराज ने उसके हाथ से किताब और पेन छीन लिए। आदमी यमराज के आगे काफी गिड़गिड़ाया और मिन्नतें की कि यमराज उसे 1 मिनट का समय और दे दे ताकि वो अपने नाम वाले पन्ने पर कुछ लिख पाए, पर यमराज ने उसकी एक भी नहीं सुनी। यमराज ने उस आदमी के प्राण निकाले और यमलोक चले गए। दोस्तों, छोटी सी ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप दूसरों का बुरा सोचोगे तो आपका भला नहीं हो सकता। दूसरे तरक्की करें, इस बात से हमें कभी कोई ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए कि सबका भला हो और साथ में हमारा भी।